हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज मैं एक कहानी लेकर के आया हूँ क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए, यूनिट 3A। कहानी का नाम है सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस। ये कहानी सियाचिन जो ग्लेशियर है उस पे आधारित है, जिसे प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस का नाम दिया गया है। तो इस कहानी को हम लोग समझेंगे, हर एक लाइन को समझेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। हर एक लाइन को समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इस कहानी के माध्यम से हमने क्या जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो बच्चों कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये आपके लिए रोचक होगा, हेल्पफुल होगा आपके क्लास के लिए। ठीक है, तो कहानी को स्टार्ट करने से पहले हम बिफोर यू रीड देख लेंगे। बिफोर यू रीड कहानी को स्टार्ट करने के पहले बिफोर योर रीड हम लोग देख लेंगे। बिफोर योर रीड में हम लोग देखेंगे कि कहानी के बारे में क्या जानकारी हमें मिलती है। बिफोर योर रीड देखें, थिंक ऑफ द वर्ड्स लॉयल्टी, ड्यूटी, रिस्पेक्ट, सेक्रीफाइस, सर्विस। यदि आप इन वर्ड्स को देखते हैं गौर से, लॉयल्टी, ड्यूटी, रिस्पेक्ट, सेक्रीफाइस, सर्विस, सेवा, बलिदान, कर्तव्य, इन वर्ड्स को यदि आप देखते हैं तो आपके मन में क्या आता है? दोज पिक्चर कम्स इन फ्रंट ऑफ योर आईज। कुछ पिक्चर्स, कुछ फोटोज, कुछ पिक्चर्स आपके आंखों के सामने आती है, उभरती है। डेफिनेटली अ सोल्जर, बिल्कुल सही सोचा आपने कि सोल्जर यानी जो सैनिक है हमारे, उसके विषय में ये बात आती है, उससे रिलेटेड ये बात आती है। वी शुड रिस्पेक्ट देम, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने सोल्जर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो सेना के जवान हैं उन्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इट इज़ बिकॉज अ सोल्जर अवेक्स समवेयर एज फार एज सियाचिन that we are able to sleep peacefully in our houses। हमें उनकी रिस्पेक्ट इसलिए करनी चाहिए कि दूर सियाचिन ग्लेशियर में वो काम करते हैं और हम क्या करते हैं कि हम लोग आराम से शांतिपूर्वक अपने घरों में सोते हैं। हम लोग अपने घरों में शांतिपूर्वक इसलिए सोते हैं क्योंकि वो दूर ग्लेशियर में जाके काम करते हैं। What is it like to be posted at a place where temperature is as low as -40°C। वो वहाँ काम करते हैं सियाचिन ग्लेशियर में जहाँ के तापमान -40°C होते। रीड ऑन टू फाइंड इट फॉर योर सेल्फ, हम लोग समझेंगे, सीखेंगे कि आखिर और क्या जानकारियाँ दी गई है इस कहानी में और सोल्जर को क्या परेशानी समस्या होती है। The name Siachen refers to a land with an abundance of roses. Siachen का नाम जो है वो रिफर्स करता है, उसे पता चलता है, उसका मीनिंग बताता है कि लैंड विथ एन एबंडेंस ऑफ रोजेस, एक ऐसा जमीन, एक ऐसा भूमि, एक ऐसा जगह जो कि एबंडेंस ऑफ रोजेस है। एबंडेंस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में मिलने वाला, ऑफ रोजेस यानी रोजेस जो हैं, जो फूल हैं गुलाब के, वो अत्यधिक मात्रा में पाया जाने वाला एक जगह है। सिया इन बाल्टी लैंग्वेज रिफर्स टू द रोज फैमिली प्लांट वाइडली फाउंड इन रीजन, एंड चून रिफर्स टू एनीथिंग फाउंड इन एबंडेंस। सिया का मतलब बाल्टी लैंग्वेज में होता है कि रोज़ का फैमिली गुलाब फूल के जो प्रजाति हैं उससे है। अचून का मतलब होता है कि जो अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सियाचिन का मतलब हो गया कि गुलाब के फूल जो अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इन स्पाइट ऑफ द सेवर क्लाइमेट्स द वर्ड सियाचिन एरोनिकली मीन्स द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस। वही मतलब बताया कि सियाचिन का मतलब हो जाता है कि गुलाब के फूल जो कि
बहुत जगह बहुत अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और सियाचिन का मतलब हो गया कि एक ऐसा जगह जहाँ पे गुलाब का फूल बहुत अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इट फॉल्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 5,753 मीटर, मीन इसको फीट में दिया है 18,875 फीट एबव सी लेवल एंड इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयस। हिमालय की तराई क्या, यानी हिमालय के जो माउंटेन्स हैं, काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी है सियाचिन, जो कि समुद्र तल से 5,753 मीटर है, या कहें तो 18,875 फीट समुद्र तल से ऊंचाई पे है। तो सियाचिन के बारे में यहाँ बताया गया है कि वो उसका जो लोकेशन है वो कैसा है, उसका हाइट क्या है और उसका मतलब क्या था। इट इज़ लोकेटेड जस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड्स। ये कहाँ मौजूद है, ये मौजूद है लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको हम लोग की LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC बोलते हैं। ये जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का जो लाइन है वहाँ पे मौजूद है ये, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड्स। द टर्म लाइन ऑफ कंट्रोल इज द लाइन दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड अपन फॉर डिवीज़न ऑफ कश्मीर सिंस 1972। ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये एक डिवीज़न है, एक रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच की, कश्मीर की, जो कि 1972 से लागू है। द लैंड ऑन वन साइड इज कंट्रोल बाय इंडिया एंड ऑन द अदर साइड बाय पाकिस्तान। ये जो जगह है लाइन ऑफ कंट्रोल, एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरे तरफ इंडिया है, कंट्रोल करते हैं अपने ज़मीन को, अपने देश को। एक तरफ भारत अपने ज़मीन को कंट्रोल करता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने ज़मीन को कंट्रोल करता है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी दी गई है। सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस ये चैप्टर है इसके विषय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्लेम अथॉरिटी ओवर द इंटायर सियाचिन रीजन। भारत और पाकिस्तान दोनों अपनी दावेदारी सियाचिन ग्लेशियर पे करता आ रहा है, अपना अधिकार जमाने का प्रयास करता आ रहा है। दोनों कह रहे हैं कि ये मेरा है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों आपस में कह रहे हैं कि मेरे मेरे हैं, ठीक है। बिटवीन 1984 एंड 1999 फ्रीक्वेंट फाइटिंग टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू टेक कंट्रोल ऑफ द रीजन। 1984 से 1999 के बीच में बहुत सारी छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुई, छोटे छोटे जो फाइटिंग हुए वो कंट्रोल के लिए, कि ये जो जगह है ये मेरा है, भारत कहता है, पाकिस्तान भी कहता है, और उसके लिए बहुत सारी छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी हुई। सियाचिन ग्लेशियर विथ ऑल मेजर पासेस इज करंटली अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया सिंस 1984। लेकिन सब के बावजूद 1984 से सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भारत के हिस्से में है, भारत के जो अधिकार है उसमें है, ठीक है, अधिकार क्षेत्र में है। एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख वाइल पाकिस्तान कंट्रोल्स द रीजन वेस्ट ऑफ सल्टारो रेज। ये भारत तो कंट्रोल करता है लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख तक, और पाकिस्तान वहाँ कंट्रोल करता है सल्टारो रेज, जो है सल्टारो रेज तक, वो जगह का नाम है, वहाँ तक पाकिस्तान कंट्रोल करता है और भारत कंट्रोल करता है लेह डिस्ट्रिक्ट जो है लद्दाख वहाँ तक। इंडिया हैज़ ऑल्सो बिल्ड द वर्ल्ड्स हाइएस्ट हेलीपैड ऑन द सियाचिन ग्लेशियर एट अ प्लेस कॉल्ड सोनम। भारत ने उस ग्लेशियर पे, जो भारत के हिस्से हैं वहाँ पे, सबसे ऊंचाई पे हेलीपैड बनाया है। हेलीपैड है, उसका नाम है सोनम, उसका नाम दिया गया है सोनम, ठीक है, विच इज़ 21,000 फीट अबव सी लेवल, जो कि समुद्र तल से 21,000 फीट की ऊंचाई पे है। इन 1984 इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन मेघदूत, और 1984 में भारत ने
एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम दिया गया था मेघदूत, जिसका नाम दिया था मेघदूत, अ मिलिट्री ऑपरेशन दैट गैव इंडिया कंट्रोल ओवर ऑल ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर। ये एक मेघदूत जो था एक मिलिट्री ऑपरेशन था। मिलिट्री ऑपरेशन का मतलब हो गया कि सेना का एक ऑपरेशन था जो कि सियाचिन ग्लेशियर को कंट्रोल करने के लिए था, उसकी देखभाल करने के लिए था, उस पर अधिकार रखने के लिए था, उस पर नज़र बनाए रखने के लिए था, इंक्लूडिंग इट्स ट्रिबरीज। अंडर ऑपरेशन मेघदूत इंडियन ट्रूप्स टुक प्रायर एक्शन एंड द कॉमन रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी एज वेल एज इंडियन एयरफोर्स वेंट इन टू द ग्लेशियर जस्ट अ डे बिफोर पाकिस्तान्स ऑपरेशन अबाबिल। इस दौरान पाकिस्तान ने भी एक अपना ऑपरेशन चालू कर दिया था अबाबिल। अबाबिल पाकिस्तान का ऑपरेशन था और यहाँ मेघदूत जो था वो इंडिया का ऑपरेशन था। इंडिया का ऑपरेशन मेघदूत था जिसमें सेना के जवान सब एयरफोर्स हो या फिर जो भी हमारे सेना के भाग हैं वो कंट्रोल करने के लिए सियाचिन ग्लेशियर को कंट्रोल करने के लिए मेघदूत ऑपरेशन चलाया था। और पाकिस्तान ने फिर पाकिस्तान ने भी एक ऑपरेशन चला दिया था अबाबिल, जो वो भी अपना क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए था, टू ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द डोमिनेटिंग हाईएस्ट ऑन सेल्टो रिज। वो अपना क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए अबाबिल ऑपरेशन चलाया था और भारत ने जो है अपना क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए सियाचिन ग्लेशियर को कंट्रोल करने के लिए मेघदूत ऑपरेशन चलाया था। तो ठीक है बच्चों, ये पार्ट वन कहानी की, अब पार्ट टू हम लोग भी पढ़ेंगे, पार्ट टू पढ़ेंगे। ये काफ़ी मज़ेदार कहानी है, इससे इस कहानी में हमें बहुत सारी जानकारियाँ सेना से और सियाचिन ग्लेशियर से मिलेंगी। ये इस कहानी से हमें काफ़ी सारे जीके के क्वेश्चन भी मिलेंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा कि मेघदूत ऑपरेशन इंडिया ने चलाया था, अबाबिल ने पाकिस्तान ने अबाबिल ऑपरेशन चलाया था, सोनम जो है सबसे हाईएस्ट हेलीपैड है इंडिया के जो कि 21,000 फीट की ऊंचाई पे है। ठीक है, तो इस तरह के छोटी छोटी जानकारियाँ, छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें आते रहेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे इसके जो अगला भाग है। तब तक मैं कहूँगा कि आप कॉम्प्रिहेंशन चेक वन जो है इसको कर लें। क्वेश्चन में समझा देता हूँ, व्हाट डज द वर्ड सियाचिन रियली मीन, सियाचिन का क्या मतलब है, मैंने आपको शुरू में ही बताया उसको डिस्क्राइब करके। वेयर इज सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड, सियाचिन ग्लेशियर का लोकेशन कहाँ है, कहाँ उपस्थित, कहाँ मौजूद है। व्हाट इज स्पेशल अबाउट द प्लेस सोनम, सोनम जो है एक जगह का नाम है, वो क्यों स्पेशल है। ये अभी मैंने बताया था, सोनम जो है वो इंडिया के हाईएस्ट हेलीपैड हैं जो कि ग्लेशियर पे बना है, जो कि समुद्र तल से 21,000 फीट की ऊंचाई पे है। विच मिलिट्री ऑपरेशन वॉज लॉन्च बाय इंडियन आर्मी इन 1984 में भारत ने कौन सा मिलिट्री ऑपरेशन चालू किया था। सारे क्वेश्चन यहीं मिल जा रहे हैं, ये मेघदूत ऑपरेशन था, पाकिस्तान का था अबाबिल। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस कहानी को और आगे सीखेंगे, समझेंगे और बहुत सारे जो जीके के क्वेश्चन हैं उसको समझेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, देखते रहो वीडियो को।